चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के साथ। सबसे पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखिए, इक्विलिब्रियम में एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसी पोजीशन जिसके बाद कोई हमारा फर्दर एक्शन करने का मन नहीं है। प्रोड्यूसर्स स्टेट ऑफ रेस्ट, प्रोड्यूसर की स्टेट ऑफ रेस्ट कब आती है? प्रोड्यूसर की स्टेट ऑफ रेस्ट तब आती है जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल जाए, जितने वो प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहा है या मैक्सिमम वो जितना कमा सकता है, जब वो उतना कमा लेगा, दैट विल बी द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है? दैट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट विच provides maximum profits, वो combination price और output का जिससे maximum profits मिलते हैं, that combination of price and output which provides maximum profit, उसको हम बोलते हैं क्या? producer equilibrium। अब ध्यान से देखिए, producer equilibrium हम निकालते कैसे हैं? producer equilibrium निकालने के लिए हमारे पास दो approaches हैं, टीआरटीसी अप्रोच और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। कोइंसिडेंटली टीआरटीसी अप्रोच आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एमआरएमसी अप्रोच करनी है। ध्यान से देखिए, एमआरएमसी अप्रोच बहुत सिंपल है। एमआरएमसी अप्रोच के हिसाब से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है? एमआरएमसी अप्रोच के हिसाब से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब एमआर इक्वल हो एमसी के, एंड सेकेंड एमसी बड़ा हो जाए एमआर से, एज मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। एमसी बड़ा हो जाए एमआर से, एज मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। अब ये चीजें हैं क्या? आराम से रिलैक्स होकर हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि दिस इज द प्राइमरी कंडीशन एंड दिस इज द सेकेंडरी कंडीशन, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन एंड दिस इज द सेकेंडरी कंडीशन। अब आइए जरा सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले देखो, एमआर का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, यही हमने पढ़ा है। तो कैन आई से that marginal revenue is nothing but it's a additional revenue, जो आपको additional पैसा मिलने वाला है। Same way marginal cost is nothing but the additional cost, एक unit extra बनाने की जो additional cost आएगी, that is marginal cost, ठीक है जी? अब आराम से relax होके सारी चीजें समझिए। हमने एक business start किया, बड़ा प्यारा सा example मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने business start किया, पहली यूनिट को बनाने की हमारी कॉस्ट आ रही है 10 रुपए। कितनी आ रही है बेटा? 10 रुपए। और हमें पहली यूनिट को बना के कॉस्ट आई 10 रुपए, जबकि हमारा रेवेन्यू आ रहा था 8 रुपए, हमने बेच दिया। आप कहोगे सर क्यों बेचा? हमारी तो कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू जो हमें मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो क्यों बेचे? बेटा स्टार्टिंग के अंदर कुछ अपना कस्टमर बेस बनाने के लिए हो सकता है कि प्रोड्यूसर बिलो द कॉस्ट जाके भी प्राइस प्रोडक्ट अपना सेल आउट करे, ताकि उसका कुछ मार्केट बेस बने। अब उसने 10 रुपए की कॉस्ट आई, 8 रुपए का रेवेन्यू बेच दिया। दूसरा ऑर्डर आया, 10 रुपए का रेवेन्यू और 10 रुपए की ही उसकी कॉस्ट आई, से उसने बेच दिया। तीसरा ऑर्डर आया, तीसरे ऑर्डर में उसको 12 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा है और उसकी कॉस्ट आ रही है 11 रुपए। तीसरे ऑर्डर के अंदर उसका रेवेन्यू, मैं आपको बोर्ड पे ले लेता हूं सारे एग्जाम्पल्स, ध्यान से देखिए। ऑर्डर 1, 2, 3, 4, एग्जाम्पल रिवाइज कर रहा हूं, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू। पहले ऑर्डर से कॉस्ट थी 10 रुपए, रेवेन्यू आपको मिला 8 रुपए। कायदे से आप लोग कहोगे सर 10 रुपए लग रहे हैं, 8 रुपए आ रहे, क्यों बेचे? दफा कर दो, नहीं बेचना। ऐसा नहीं है, बेचेंगे बेटा। क्यों? कस्टमर बेस चाहिए। सेल किया, दूसरे को प्रोड्यूस किया, कॉस्ट आई 9 रुपए।
एडिशनल कॉस्ट जो सेकेंड ऑर्डर की आई वो आई 9 रुपीज, रेवेन्यू भी आया 9, ये भी सेल किया आपने, ये भी सेल किया। तीसरा ऑर्डर आपके पास आया, तीसरे ऑर्डर में जो एडिशनल कॉस्ट आई वो 10 रुपए आई, और एडिशनल रेवेन्यू जो आपके पास आया से वो एडिशनल रेवेन्यू आया 12 रुपीज। कितना आपके पास? 12 रुपीज। अब ध्यान से देखिए, अगर आप सिर्फ प्राइमरी कंडीशन को फॉलो करते हैं MR इज इक्वल्स टू MC, तो आप तो यहीं रुक गए, आप यहीं रुक गए MR इज इक्वल्स टू MC पे। आप कहोगे इससे आगे नहीं जाना, बट कैसे आगे नहीं जाना, जाना है, क्योंकि आगे जाकर जो आपकी कॉस्टिंग है वो कम हो रही है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट 10 है, रेवेन्यू कितना है 12, मतलब आपको यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, कितने रुपए के, 2 रुपए के। तो आप इस पे जाओगे या नहीं जाओगे? जाएंगे। सपोज अगला ऑर्डर आया, अगले ऑर्डर के अंदर आपकी कॉस्टिंग आई 12 रुपए और रेवेन्यू भी आया 12 रुपए, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है सर बेच दो। फिफ्थ ऑर्डर आया जिसमें आपकी कॉस्टिंग आई 13 रुपए, ठीक है, और रेवेन्यू जो है वो आया 12 रुपए। कितना आया? 12 रुपए। अब ध्यान से समझिए, एमसी एमआर दो जगह इक्वल है, यहां पर भी और यहां पर भी। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आपका एकदम बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में आपकी कॉस्टिंग हाई होती है, रेवेन्यू कम होता है, आप तब भी बेचते हो, क्यों? क्योंकि आपको अपना एक कस्टमर बेस बनाना है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपकी एडिशनल कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू बराबर आ जाते हैं, मतलब आपके बिजनेस ने कहीं ना कहीं ब्रेक इवन अचीव कर लिया है, उसके बाद अब आप कमाना शुरू करने वाले हैं। तो अब जब ब्रेक इवन आ गया है, जहां आपकी एडिशनल कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू के इक्वल है, वहां आपको रुकना नहीं है, वहां से भी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब जब आप थर्ड ऑर्डर पे गए तो आप देखोगे सेल्स से ज्यादा पैसा आएगा, कॉस्टिंग कम आएगी। बट ये करते करते भी एक ऐसी स्टेज दोबारा आएगी जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट दोबारा बराबर आ जाएंगे, उस समय आपको रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? क्योंकि अगर उसके बाद आप फर्दर आगे बढ़ते हो तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग बढ़ने लग जाती है, जबकि रेवेन्यू जो है वो कम होने लग जाता है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एमसी इक्वल टू एमआर की सिचुएशन दो बार आती है, वन जब आप बिजनेस एकदम इनिशिएट करते हो, और सेकंड जब आप बिजनेस इनिशिएट नहीं करते। सेकंड सिचुएशन कब आती है? जब आपका बिजनेस एक मैच्योरिटी स्टेज पर होता है, वहां आती है जहां एमसी किसके इक्वल हो जाता है? एमआर के। तो मैच्योरिटी स्टेज वाले एमसी इक्वल टू एमआर पर आपको प्रोडक्शन स्टॉप करनी है, क्योंकि अगर आप उससे आगे बढ़े तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी और रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो सिर्फ प्राइमरी कंडीशन देख के दैट एमआर इज इक्वल टू एमसी, we cannot decide that producer is in equilibrium. At the same time, we have to satisfy the secondary condition as well, that is marginal cost becomes greater than MR as more output is produced. क्या वो यहाँ पर satisfy हुई? नहीं हुई, वो यहाँ satisfy हुई। और मैं अगर इसको business से link करता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि in the initial stage, your costing will be higher, your revenue will be lower, but still you will operate because you want to make the customer base. After some period, you will achieve the break-even point at which the additional cost will be equal to the additional revenue. Thereafter, you will start earning. And again, in the maturity period, when your decline will come after the maturity of the business, you will observe that again the costing is coming equal to the revenue. And at that time, you have to stop the production, because if you will try to further produce the goods, that will result in losses because your cost will exceeds the revenue. So, पूरा का पूरा चीज आपको जो दिमाग में समझ में आनी चाहिए कि MC equal to MR ही सिर्फ ऐसी कंडीशन नहीं है जिससे हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिसाइड कर दें, हमें दूसरी चीज भी जरूर देखनी है कि MC becomes greater than MR as more output is produced. बात समझ में आ गई? चलिए, तो आपके सामने दो conditions हैं जिसके बेसिस पर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। अब हम इस टॉपिक को डिफरेंट मार्केट के अंदर स्टडी करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में किस तरीके से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकाला जाता है और इम्परफेक्ट में कैसे निकाला जाता है। बिफोर दैट आप सिर्फ एक बार ये डेफिनेशन और ये दो पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये दो कंडीशन इन दिस डेफिनेशन यू शुड नोट डाउन फास्ट प्लीज।